बताते हैं। यदि कोई प्रश्न करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। चरित्र निर्माण को लेकर, चरित्र को धारण करने से लेकर, या चरित्र को कैसे हम उसका एनालिसिस करें, या किस तरह से हम चरित्र को समझे। आपने कैप्स की बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है। एक है? एक दो तीन चार पांच छह, छह तो दिखाई दी मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसकी कोई खास वजह है या आपको कैप्स का बहुत शौक है? जी जी। नहीं, उसके साथ साथ बाकी कंप्लीट ड्रेस का या सिर्फ कैप्स? अलग कैप, सिर्फ कैप। अच्छा अच्छा, ये गिफ्ट भी करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। सर, ऐसा कोई काल्पनिक पात्र है? सर, ऐसा कोई काल्पनिक पात्र जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, जिसका कोई सामाजिक ताना बाना नहीं है, जैसे कुछ कहानी या कुछ ऐसा कहानी का जो हम नाट्य रूपांतरण करते हैं, जिसमें एक काल्पनिक पात्र है जिसको, जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं हमको डिटेल मिलेगी, तो उसके लिए चरित्र को धारण करने के लिए सर क्या क्या स्टडी करना चाहिए? देखिए, क्या है कि आपको जो टेक्स्ट मिलता है जी, आलेख जो मिलता है, जो लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िए। उस चरित्र के बारे में, वो चरित्र कुछ तो संवाद बोलता है जी। एक आपके पास उसको समझने का एक वो है, दूसरा जो दूसरे पात्र उसके बारे में बोलते हैं, उससे आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। तो क्या है कि आपके पास कुछ ना कुछ तो है, इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल है अभिनय में, और इमेजिनेटिव जितना अभिनेता हो सकता है, इसीलिए अभिनेता के बारे में ये हमेशा कहा भी जाता है कि उसको एक अच्छा कहानीकार भी होना चाहिए। आपको उसकी एक कहानी रचनी पड़ेगी। आपको जो टेक्स्ट नाटककार ने दिया है, आप उसको पढ़ के, उस जितना भी आपको मिला है उसके आधार पर आप कितनी कल्पना कर सकते हैं ताकि वो एक सजीव चरित्र बन सके। ये एक बहुत बड़ी सृजनात्मक खोज कह लीजिए आप, या सृजन है, जो अभिनेता को करना पड़ता है। और उसमें अब उसकी, जब ये कल्पना के घोड़े दौड़ते हैं, तो उसमें उसकी ऑब्जर्वेशन, जो उसने देखा है, समाज में देखा है, इतरों ने देखा है, पढ़ा है, उन सब पे उसको जोर लगाना पड़ेगा, और उन चीजों को उसे अपने उस चरित्र के निर्माण में जोड़ना पड़ेगा, ताकि वो एक पूरा चरित्र उस तरह से बन सके। ठीक है, यथार्थवादी वो कैरेक्टर आपको नहीं मिला, लेकिन अब जैसे कोई ऐसा पात्र हम ले जिसके बारे में बहुत कम मालूमात है या नहीं है, वो टोटल क्रिएशन ही लेखक की है, तो उसके आधार पे आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपकी आंखों में या आपके मानस पे कौन सा चित्र बनता है? चित्र तो बनता है, चित्र तो बनना ही चाहिए। अगर जो अभिनेता, अभिनेता की ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, उसके अंदर होनी भी ही चाहिए, कि जो वो टेक्स्ट पढ़ता है, टेक्स्ट मतलब आलेख, जब वो आलेख पढ़ रहा है, शब्द पढ़ रहा है, तो वो उसे दिखाई दे, शब्द उसको दिखाई देने चाहिए। अभिनेता को शब्द दिखने बहुत जरूरी है, वो चाहे किसी भी रूप में आए, एक पूरे चित्र के रूप में आए, रेखाओं के रूप में आए, कलर्स के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, वो उसे दिखाई देने बहुत जरूरी है, तभी आप उस पात्र के नजदीक जा पाओगे, उसको समझ पाओगे। तो इसलिए ये काम अभिनेता को करना पड़ता है, और उसकी एक संरचना उसको अपने अपनी सोच के आधार पर
अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए, ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए उस कैरेक्टर को उसने उस तरह से ही क्रिएट करना होता है। अब जो क्योंकि लेखक ने जो लिख दिया वो तो शब्द में लिख दिया, अभिनेता जब उस पात्र को लेके आता है मंच पर वो तो उसको सजीव करता है ना, उसमें तो जान फूंकता है, हाड़ मांस का वो पुतला हमें दिखाई देता है। हम जब नाटक या उपन्यास या कहानी पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते समय हमारे मानस में उसका एक चित्र बनता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि जो अभिनेता उस पात्र को करेगा तो बिल्कुल वैसा ही चित्र बने जैसा आप पढ़ते हुए आपको लग रहा था, कोई जरूरी नहीं है, वो उससे अलग भी हो सकता है। क्योंकि जब वो अभिनेता या अभिनेत्री उसको पढ़ के उसके मानस में जो जो उसका चित्र बना है वो उसके अनुरूप उसको वो सामने लेके आ रही है या आ रहा है। और इसमें क्या होता है, जब इस तरह की कोई कहानी है तो जो निर्देशक है, निर्देशक इसमें एक काफी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है या करता है। अपने अभिनेता को ये बताता है कि भाई देखो ये रियलिस्टिक कैरेक्टर नहीं है, ये नॉन रियलिस्टिक कैरेक्टर है, ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, इसको मैंने इस तरह से सोचा है, अब आप इसको आगे बढ़ाओ। तो वो अभिनेता उससे क्यों लेके अपने अनुभव के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर और अपनी जो उसकी इम्प्रोवाइजेशनल पावर है उसके आधार पर उसको सजीव खड़ा कर देता है। अभिनेता में एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसीलिए वो स्टेज का सेंटर होता है, क्योंकि बिना अभिनेता के कोई नाटक हो नहीं सकता, अभिनेता को तो होना ही है। तो इसलिए वो अभिनेता की जो पावर है उसको इतनी सारी सोच और सारी छूट दे रखी है कि वो उसे रचे, चाहे वो म्यूजिक का सहारा ले ले, चाहे वो नृत्य का सहारा ले ले, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस चरित्र को करे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉप्स हैं उसको यूज करे, मास्क को यूज करना चाहते हैं तो वो उसको यूज करे, या कुछ भी इस तरह की जो भी आहार्य अभिनय के माध्यम से जो चीजें कही जा सकती हैं या कही जाती हैं उनका इस्तेमाल होता है वो करे, या फिर और कुछ नए ढंग से कुछ प्रॉप्स को सोचता है, बनाता है, कॉस्ट्यूम्स के बारे में सोचता है, तो वो कर सकता है और तैयार करते हैं अभिनेता, ऐसा हमने देखा है। तो इसलिए इसमें एक तो निर्देशक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अगर निर्देशक अलग है, अगर वो खुद ही निर्देशक है तो उसे फिर वो निर्देशक का काम भी करना पड़ेगा और अभिनेता का काम भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के चरित्र में आप उसे एक सजीव पात्र बना सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हाँ मेहनत तो लगेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट को आपने एक मूर्त रूप देना है, वो एक कठिन काम तो है, तो उसमें समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी और आपकी जो इमेजिनेशन है वो उसमें कितना काम आती है, और उसमें तब पता लगेगा कि अभिनेता या अभिनेत्री आप किस लेवल के हैं। ये बात धन्यवाद। और कोई कुछ? सतीश जी जी हेलो। हाँ जी बताइए। सतीश भैया, बहुत सभी भाषाओं के नाटकों में देखा है कि निर्देशक और अभिनेता दोनों एक ही जब होते हैं, क्योंकि निर्देशक इन सारी बारीकियों को समझाता है, लेकिन कभी कभी निर्देशक उतना सशक्त अभिनेता होकर मंच पे नहीं आ पाता है, या कभी कभी उल्टा भी होता है कि अभिनेता ज्यादा सशक्त हो जाता है, निर्देशक कमजोर पड़ता है, तो ये क्यों होता है, क्या वजह है इसका? अब उसमें ये है कि मैं भी उसी पीढ़ी का हूँ जहाँ निर्देशक और अभिनेता एक ही हुआ करते थे, बहुत सभी भाषाओं में, बंगला में और मैं हमारे ये ऐसा रंगमंच के इतिहास में हुआ है। अभी निर्देशक अलग हो गया है,
और अभिनेता अलग हो गए हैं, बहुत कम ऐसे अभिनेता बचे हैं जो खुद अभिनय भी करते हो साथ में निर्देशन भी करते हो, क्योंकि दोनों काम अपने आप में एक दूसरे से अलग भी हैं और कठिन भी हैं और बड़े काम हैं। अब अगर मैं अपनी बात कहूं, मैं दूसरों की भी बात करूंगा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब निर्देशन भी कर रहा था और अभिनय भी कर रहा था तो पहला मेरा समय जो जाता था वो सारे नाटक को कंपोज करने में, उसके कंपोजिशंस में ज़्यादा समय निकलता था और मैं अपने डायलॉग चुप चुप याद कर लेता था और मैं उस तरह से उसको कंपोजिशन करते समय उस तरह से कैरेक्टर में जिसे हम इन्वॉल्वमेंट कहें या वो नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे दूसरे अभिनेता या अभिनेत्रियों को भी देखना होता था। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर मैं अपना चरित्र या पात्र करने लगता था। और इस बीच क्या हुआ कि एक जो मेरी आप कहें दृष्टि कहें या कुछ ऐसा कहें, मंच पर करते हुए मैं अपना अभिनय कर रहा हूं और दूसरा अभिनेता क्या कर रहा है ये भी मुझे पता लगने लग जाता था, इसका भी आभास होने लग जाता था। तो वो उसने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया। तो उससे फिर मैं दूसरे अभिनेताओं को भी कंट्रोल कर लेता था कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है। ये पूरा एक मैथमेटिक्स और उस तरह से कि फिक्स्ड है, हर चीज हम तय कर लेते थे कि ये ऐसा ही होना है, उसमें मैं भी वैसा ही करूंगा। अब बहुत बार क्या होता था कि मैं खुद ही अभिनेता हूँ और खुद ही निर्देशक हूँ, तो बहुत बार सतीश आनंद अभिनेता सतीश आनंद निर्देशक की बात नहीं मानना चाहता था। तो मैं वैसा करने की अगर कभी चेष्टा करता भी था तो दिमाग में थोड़ा ज्यादा शट अप, तुम एक्ट कर रहे हो, सतीश आनंद ने जो कहा वो करो, तुम ये नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट अलाउड। तो इस तरह से मैंने अपने आप को रोका और उसको बनाने की कोशिश की जिससे कि निर्देशक ने जिस तरह से पूरे नाटक को सोचा है, क्योंकि अभिनेता जो मेरा है वो तो अपने चरित्र पे काम करता है और वो ये देखता है कि भाई मैक्सिमम फुटेज मुझे कैसे मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं, किस तरह से क्या करूं, क्या एक्टिविटीज करूं, किस तरह के मूवमेंट लूं, किस तरह से डायलॉग बोलूं ताकि मैं सेंटर में रहूं। और निर्देशक तो देखता है कि नहीं भाई तुम भी एक पात्र हो और दूसरा भी एक पात्र है, ये सारे पात्र मिलके अंत में आके इस नाटक को इस तरह से कहते हैं या एक वो स्वरूप बनता है जिससे दर्शक पर वो उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए निर्देशक ने जो कहा है अभिनेता को करना तो वैसा ही चाहिए और तभी वो नाटक सफल हो पाता है। जिन अभिनेताओं ने निर्देशक की बात नहीं मानी और जाके मंच पर अपने मन से करने लगे तो वो प्रदर्शन डिजास्टर्स हो गए, फ्लॉप हो गए, महीनों मेहनत करने के बाद भी फ्लॉप हो गए। अब मैं आपको इसका एक, मेरे साथ एक घटना घटी थी, एक नाटक हम कर रहे थे लहरों के राजवंश, मैं उसमें नंद का रोल कर रहा था और एक अभिनेत्री थी, अच्छा अभिनय करती थी, पता नहीं उसको उसमें क्या हुआ कि मैं उसको जो मूव दूं वो कहे नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगी। कई बार मैंने उसको मना किया ऐसा मत करो भाई, जो तुम्हें कहा है उस तरह से करने की कोशिश करो, नहीं मैं ऐसे करूंगी। तो फिर क्योंकि हमने हॉल बुक कर लिया था और नाटक करना बहुत जरूरी था मेरे लिए, मैंने कहा ठीक है भाई तुम जैसे करो, लेकिन मैंने मन में ये तय कर लिया कि इस महिला के साथ मेरा ये आखिरी नाटक है, मैं इसके बाद फिर इनके साथ काम नहीं करूंगा। तो अब क्या हुआ कि हम जिस दिन शो करते थे उससे एक दिन पहले हॉल किराए पे ले लेते थे और एक रन थ्रू करते थे,
ये बात 79 की है, 1979। तो वो जैसे ही करना शुरू किया तो वो मुझे कहती है कि रुक जाए। मैंने कहा क्या हुआ, रुक क्यों गई? नहीं नहीं सतीश जी, आप कह रहे थे ना इसको ऐसे करो, तो मैं इसको ऐसे करती हूँ। मैंने कहा अच्छा करके देखो। अब उससे वो भी नहीं हो रहा था, और जो वो पहले कर रही थी वो शायद अब करना नहीं चाहती थी। उसको लगा, उस समय लगा कि नहीं, निर्देशक ठीक कह रहा था, मुझे अपने आप को करेक्ट कर लेना चाहिए। तो हमने उस नाटक की 2 महीने रिहर्सल की थी, और वो जितना भी जैसा भी वो कर रही थी, मंच के एक दिन मंचित होने से एक दिन पहले वो कहने लगी कि नहीं तुम जैसा बताते थे मैं वैसा करना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई भूल जाओ, छोड़ दो उसको, बहुत लंबा नाटक है, एक आध 2 मिनट का थोड़ी है कि आप अपने आप को चेंज कर लीजिएगा इतनी जल्दी, और वो आपकी आदत में शुमार हो पाएगा। आप जैसा कर रही थी वैसा ही करिए। लेकिन वो अंदर से मान नहीं रही थी। हाँ उसने बड़ी कोशिश की, वो रिहर्सल हमारी खराब हो गई। 3 घंटे के लिए हॉल लिया था, 5 घंटे लग गए, तो ठीक हो नहीं पा रहा था उससे, तो वो चली गई। दूसरे दिन अब मंच पर जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, और मैं आपको क्या बताऊं, वो लड़की अच्छी अभिनेत्री थी, पर कांप रही थी, पूरे पसीने से नहाई हुई थी, और उसे कुछ मालूम नहीं था कि मैं क्या डायलॉग बोल रही हूं, मैं क्या कर रही हूं। बहुत ही खराब वो प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद वो चली गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं इस बात को लेके कि आप अगर आपको वो कैरेक्टर नहीं करना है तो आप ना कर दीजिए, लेकिन निर्देशक यदि आपसे कह रहा है कि ऐसा करो तो आपको करना चाहिए, नहीं तो नाटक खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। निर्देशक पर अभिनेता को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा, अपने आप को आप कहें समर्पित कर देना या पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी निर्देशक नहीं चाहता कि मेरा नाटक खराब हो, कोई भी निर्देशक छोटा हो या बड़ा हो, कोई नहीं चाहता कि मेरा नाटक खराब हो। तो इसलिए वो अभिनेता और अभिनेत्रियों की कभी कभी बहुत सी गलत बातें भी बर्दाश्त कर जाता है, क्योंकि नाटक अच्छा हो जाए। पीछे मकसद यही होता है कि हम नाटक अच्छा करें, परफॉर्मेंस अच्छा करें। 1 महीना 2 महीना 3 महीना रिहर्सल की है, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। और अगर अभिनेता को अपने निर्देशक पर विश्वास ही नहीं है, निश्चित रूप से वो खराब होने जा रहा है। तो वैसा ही हुआ उसके साथ। तो इसलिए मैं वो मेरे लिए भी एक लेसन था कि मुझे शुरू में जब वो ना कर रही थी तो उसे कह देना चाहिए था कि भाई तुम मत करो, छोड़ दो, मत नाटक करो। लेकिन मैं ये बात क्यों नहीं कह पाया, क्योंकि उस समय पटना में अभिनेत्रियां नहीं मिलती थी। तो मेरी सबसे मुश्किल बड़ी ये थी कि मुझे इस बात को बर्दाश्त, बहुत बड़ा कॉस्ट कर गई मुझे, और उसकी बड़ी तकलीफ हुई मुझे। उसको भी हुई होगी, लेकिन मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, और वो ये सोचना पड़ा। और इसके विपरीत में मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक निर्देशक ऐसे थे, वो मुख्य भूमिका किया करते थे, और बाकी जितने एक्टर्स थे उनको वो पॉ की तरह यूज करते थे। तो मैंने उनसे पूछा, भैया वो काफी बड़े थे, मैंने कहा भैया ये क्या करते हैं आप? बोला अरे मेरा नाटक है, मैं निर्देशक हूं, मैं इसमें मेन कैरेक्टर हूं। अरे तो सेंटर में मुझे ही ना होना चाहिए। वो इस तरह से करता था, वो अपने पूरे नाटक को खराब कर देता था, अपना अपने के लिए। तो विचित्र था। एक मेरे सामने ये भी उदाहरण है। तो मैं हमेशा, मुझे ये शुरू से ही लगता रहा कि जब मैं नाटक कर रहा हूँ तो मैं नाटक दिखा रहा हूँ, मैं अपना पात्र एक उसका एक हिस्सा है। तो
हर कैरेक्टर उसका एक हिस्सा है, हर कैरेक्टर को अपना कैरेक्टर अच्छा करना है, बहुत बढ़िया करना है, लेकिन टोटैलिटी में मिला के नाटक को अच्छा होना है। तो उसमें इसलिए मेरे जितने भी नाटक होते थे उसमें कोई छोटे से छोटा पात्र भी है ना, सिर्फ उसकी एंट्री और एग्जिट ही है, तो वो भी बड़ी पावरफुल में रखता था हमेशा अपने कंपोजिशन में, हमेशा उसका ध्यान रखना कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही आके चला जाएगा, क्या क्या फर्क पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप एक निर्देशक होने के नाते उसका इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये पात्र है, डायलॉग नहीं बोल रहा है लेकिन सजीव है, चलता फिरता है, किसी जैसा मैंने पहले ही बताया कि किसी न किसी को उसको बिलोंग करता है, इसके पीछे भी कोई परिवेश है जिसकी वजह से ऐसा इसका चरित्र है, तो वो चरित्र दिखना चाहिए उसके उसमें, उसके पास डायलॉग नहीं है लेकिन उसकी वॉक में तो दिखना चाहिए, उसके फिजिकल बिहेवियर में तो दिखना चाहिए, उसके कॉस्ट्यूम्स में तो दिखना चाहिए, उसके मेकअप में तो दिखना चाहिए, इन सारी चीजों से तो हम उसको दिखाई सकते हैं ना। अगर उसको डायलॉग्स नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, डायलॉग होते तो और ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो मैं हमेशा से छोटा पात्र भी है ना नाटक में मेरे रहा है, तो मैंने उसको हमेशा उतनी ही तरजीह दी है जितना एक मुख्य पात्र को दी है, कि नहीं ये आया गया चला हो गया, वैसा नहीं, वो मुझे ऐसा लगने से लगता था कि नाटक खराब हो गया, तब तो इस पात्र को हटा ही देना चाहिए, निकाल दीजिए इसको, क्या जरूरत है इसको लाने की। अगर जो है वो महसूस ऑडियंस को करनी चाहिए, और वो एक कहानी का उस नाटक का वो एक बहुत हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, नहीं तो नाटककार ने क्यों रखा उसे, नाटककार पागल है। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, मेरा जिज्ञासा और सवाल जो कहें, मेरा ये है कि जो आकांक्षी निर्देशक हैं, जो बनना चाहते हैं निर्देशक, क्या उनको पहले अभिनेता ही बनना पड़ेगा है? क्या उन्हें पहले अभिनेता बनना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है अभिनेता बनने का, अभिनेता अगर आपको अभिनय आता है तो अच्छी बात है, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण यह है कि आप जब नए लड़के लड़कियों से काम कराते हैं तो चूंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस लड़के लड़की को कह रहे हैं कि तुम ऐसा ऐसा कुछ दिखाओ, ऐसा करो ऐसा करो, वो नहीं कर पाता है, उसकी सीमाएं हो सकती है, हो सकता है कॉन्फिडेंस उसमें अभी नहीं आया हो, हो सकता है अभी वो कमजोर हो बहुत सारी चीजों में, वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। तो वैसे में अगर निर्देशक अभिनेता भी है तो वो उसको अभिनय करके बता सकता है कि देखो तुम इसको इस तरह से करो, एक रास्ता उसको दिखा सकता है और वो उसको कॉपी कर सकता है, कॉपी करते हुए अपनी चीजें उसमें ऐड कर सकता है, और बहुत ही हालत खराब है तो मान लीजिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उतना तो कर देगा जितना उसके निर्देशक ने उसको बताया। तो अगर उसमें अभिनेता में ये हो अभिनय का इसमें निर्देशक में, तो एक अच्छी बात है। दूसरा ये है ना कि निर्देशक को अभिनेता से अभिनय निकलवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है उसको, तो वो समझ होनी बहुत जरूरी है, वो समझ तभी मुझे लगता है आ सकती है जब आप खुद भी अभिनय कर सकते हो। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आना ही चाहिए, इसमें मैंने बताया ना एक निर्देशक जो खुद भी अभिनेता था तो वो नाटक का बंटा डाल कर देता था, अपना अभिनय दिखाता था तो उसका निर्देशक हाँ, तो ये अब ये तरह के हैं ये लोग हैं। असल में बात ये है कि आप नाटक के माध्यम से दिखाना क्या चाह रहे हैं, अगर दिखाना ये चाह रहे हैं कुछ, आपके सामने कोई पूरी तस्वीर है नाटक को लेके, पूरे एक परिवेश को रचने की बात है, तो आपको सबका ध्यान देना पड़ेगा, सब पे ध्यान देना पड़ेगा, सबको इक्वली इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी वो सब निकल के आएंगे। तो ये मैच्योरिटी निर्देशक के अंदर होनी बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो निश्चित रूप से आपकी प्रोडक्शन मार खा देने वाली है, वो उस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी, कुछ हिस्से अच्छे हो जाएंगे कुछ हिस्से खराब हो जाएंगे, ये होता है। और ये कोई भी मुझे लगता है अच्छा निर्देशक ये नहीं चाहेगा कि मेरा नाटक तो कम से कम खराब नहीं हो, जब मंच पे आ रहा है तो सब लोग अच्छा करें,
ये चीज होती है। इसलिए अगर आप निर्देशक बनना चाहते हैं तो निर्देशकीय अगर आप में गुण है तो आप जरूर उसको करो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो छोटे छोटे स्किट्स से शुरू कीजिए, पहले में ही शुरू में ही कोई बड़ा नाटक मत उठा लीजिए, छोटे नाटकों से शुरू कीजिए, एकांकियों से शुरू कीजिए या लघु नाटक से शुरू कीजिए, अपने उस शक्ति को नापिए कि आपके अंदर वो टैलेंट है या नहीं है, ताकि आपको क्या होता है ना, दो उसमें दो बातें हो जाती है कि आपने तो इतनी मेहनत भी की, समय भी लगाया और नाटक अच्छा नहीं हुआ, तो आपको दो तरह की फ्रस्ट्रेशन होगी। तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं हो आप, ताकि आप भविष्य में भी काम करते रह सकें, इसलिए छोटे से शुरू करें और अपने आप को जज करने की कोशिश करें, अपने आप को देखें मैं से सही ढंग से कर पाता हूं या कर सकता हूं। ये क्योंकि अभिनेता को तो जज करने वाला तो निर्देशक है, निर्देशक को खुद से ही करना पड़ेगा ये सारा चीज। बिल्कुल बिल्कुल, निर्देशक को खुद से ही जज करना पड़ता है और ये उसके लिए बहुत बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है। वो अपने आप को किसी भी डिपार्टमेंट में कमजोर नहीं उसको करना है कि ये चीज मुझे नहीं आती है इसलिए छोड़ देता हूँ, नहीं। आप आज जब प्रस्तुतियां कर रहे हैं तो उसमें सारी चीजें समाहित हैं, तो इसलिए आपका हर डिपार्टमेंट बहुत सशक्त होना चाहिए, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। अब ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है तो आप चीजें खरीद के ले आएंगे, हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है तो आप कैसे चीजों को इम्प्रोवाइज करेंगे, कैसे सस्ते सामान से आप क्या 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 क्रिएट कर सकते हैं। हमारा हिंदी रंगमंच जो है अब थोड़ा पैसे वाला हो गया है, नहीं तो अभाव का भुखड़ की संतान था। हिंदी रंगमंच के पास पैसा नहीं होता था, मंच पर सेट के लिए सबसे बाद में आता था कि सेट पे हम पैसा खर्च कर पाएंगे, और पैसे होंगे तो सेट लगाएंगे। तो अगर पैसा नहीं है, आपने नाटक करना है, तो आप सेट कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, अब सेट किस तरह से होगा। तो ये निर्देशक सोचता था और उस अभाव में वो नई चीजें रचता था और दर्शक को ये महसूस नहीं होने देता था कि सेट नहीं है, ये होता है। तो इस तरह से हमें अपनी हर फैकल्टी को तैयार रखना है। अभिनेताओं से तो काम लेना ही है, लेकिन बाकी बहुत सारी है उनको भी जोड़ना पड़ता है, उनका भी एक संतुलन बिठाना पड़ता है, एक बैलेंस होता है, तब जाके प्रदर्शन अच्छा होता है। और कोई? धन्यवाद सर। प्रणाम सर, मैं राहुल शाक्य ग्वालियर से। सर मुझे ये पूछना था कि जब नाटक होता है तो नॉर्मली ऑडिटोरियम में एकदम आवाज नहीं आती है किसी की भी, और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है पूरे ऑडिटोरियम में। और जब मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ कि जब मैं नाटक करता हूँ, जब मैं अभिनय करता हूँ, तो मुझे एक एक आवाज सुननी पड़ती है, तो मेरे लिए क्या है सर, थोड़ा समझाने क्या क्या कहना चाह रहे हो सर। जैसे ऑडिटोरियम में नाटक से पहले पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, पर मैं जब नाटक करता हूँ, जब मैं अभिनय करता हूँ, तो मुझे उस टाइम अभिनय करने के दौरान ही मुझे एक एक चीज सुनाई पड़ती है, सामने वाले की आहटें, जब वो दर्शक बैठा उसकी भी, और जो मेरा अभिनय वो जो मेरा को एक्टर है उसकी भी। तो सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मेरे लिए क्या है। नहीं नहीं, तो उससे क्या आप डिस्टर्ब होते हैं? मुझे लगता है मैं ये सोचने लगता हूँ बीच में कि कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं अपने कैरेक्टर से बाहर तो नहीं हो रहा हूँ, ये सोचता हूँ बीच में। फिर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने चरित्र को अभिनीत कर रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं, तो आप अंदर से बहुत कॉन्शियस हैं कि आपका सारा ध्यान जो है सामने की ऑडियंस पे है, इधर उधर है, आप अपने चरित्र में नहीं है। आपको तो अपने चरित्र में रहना है ना। क्या नाम है आपका? राहुल सर। हैं?
राहुल 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 हाँ जी तो सर। उस समय तुम राहुल थोड़ी हो, जो भी पात्र हाँ। तुम कर रहे हो वो हो, तो उस समय उसकी जो मानसिकता है, उस समय जो मंच पर जो कुछ भी घटना घट रही है, आपको उस परिवेश में अपने आप को एकाग्रचित करना है, कंसंट्रेट करना है। इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, आप इधर उधर की चीजें सोचते हो, और जब अपना आपको अपना डायलॉग आता है तो आप अपना डायलॉग बोलते हो, तो ये अभिनय नहीं है जी सर। ये तो अभिनय अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं? हाँ सर सुन रहा हूँ। ये अपने घर के बारे में सोच रहे हैं? नहीं सर, आपकी सुन रहा हूँ, बातें सुन रहा हूँ। हाँ, तो जब मंच पर आप हैं, जब आप मंच पर हैं, तो फिर मंच पर जो घटित हो रहा है उसको देखिए ना, ऑडिटोरियम में क्या हो रहा है वहां क्या लेने चले गए आप? नहीं सर, ऑडिटोरियम में नहीं, मेरे को एक्टर की आवाज सुननी पड़ती है, मुझे सब चीजें सुननी पड़ती है उस दौरान। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि जो मुख्य घटना घट रही है, जहां पे आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसी को सुनिए, वो भी सुन लेते हैं आप, वो भी सुनते हैं जी सर। हाँ सर, और दूसरी बातें भी सुनते हैं? बातें नहीं सर, जो मंच पे चल रहा है उससे लेके भी सुन रहा हूँ, और जो आसपास होता है उसे भी सुन रहता हूँ सर। तो फिर आप ठीक से रिएक्ट कर पाते हैं चीजों को मंच पर? जो आपने उस कैरेक्टर ने जिस तरह से रिएक्ट करना है, अपनी प्रतिक्रियाएं देनी है, वो हो जाती है आपसे ठीक? ये तो पता नहीं सर। नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया ना कि आप उस समय मानसिक रूप से मंच पर उपस्थित नहीं है, क्योंकि जब कोई बात कही जा रही है वहां पे जो हो रही है, तो मैं तो उसके ही बारे में ना सोचूंगा भाई, तो मेरा तो ध्यान उस पे जाएगा। हाँ सर, दूसरी बातों पे थोड़ी जाएगा। आजकल अधिकतर अभिनेता यही करते हैं जो आप कर रहे हैं। वो क्या है, मंच पे खड़े हो गए, सिर्फ डायलॉग्स बोलते हैं, अपना अपनी लाइंस बोलते हैं, लाइंस का मतलब भी नहीं पता उन्हें, वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और जब दूसरा पात्र बोल रहा होता है तो वो अपना डायलॉग दोहरा रहे होते हैं, उसका डायलॉग थोड़ी सुनते हैं जिसकी उसको प्रतिक्रिया देनी है, उसकी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वो अपना डायलॉग याद करते रहते हैं कि अब जैसे ही वो क्यू डायलॉग आया आपने तड़ से अपनी लाइन बोल दी, और फिर बाहर निकल के पूछा मैंने कैसा अभिनय किया था। तो भाई तुमने अभिनय किया कहां, तुम तो उस पात्र में थे ही नहीं। एक अभिनेता पात्र में है, ये कब साबित होता है, ये कब पता लगता है, जब वो चुप रहता है मंच पर, जब वो बोल नहीं रहा होता है, जब वो बोल नहीं रहा है और उस समय मंच पर जो घटना घट रही है उसका वो हिस्सा बना हुआ है, तब पता लगता है कि वो अभिनेता है या नहीं है। और उस समय अगर हम इधर उधर की बातें सोचने लगेंगे, उसकी आवाज सुनने लगेंगे, भैया आए हुए हैं, अच्छा आज पापा भी आ गए हैं, अरे ये कौन आ गई, वो कौन हो गया, ये इधर से बच्चे की आवाज, उसकी ये सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ, तो मैं थोड़ी उस घटना में हूँ, मैं तो उस घटना में हूँ नहीं, मैं तो उस घटना से बाहर खड़ा हूँ, और मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा डायलॉग कब है, और डायलॉग नहीं है, बाहर निकलना है, अच्छा कब बाहर जाना है। तो इसलिए क्या होता है, उस समय आपकी जो शारीरिक, आपका जो शारीरिक अभिनय है वो अभिनय नहीं कर रहा, आप वो सुन भी नहीं रहे हैं, वो चीजें देख भी नहीं रहे हैं, वो सोच भी नहीं रहे हैं। तो जब आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप वो पात्र थोड़ी हैं, आप वो पात्र नहीं है। और आज का ज्यादातर लड़के लड़कियां यही करते हैं, और ये इसको एक निर्देशक होने के नाते बार बार हमें फेस करना पड़ता है, बार बार उनको समझाना पड़ता है। सर इसे सुधारने के लिए क्या किया जाए? सर सुधारने के लिए ये है कि मंच पे जो कुछ घटित हो रहा है सारा मेरा ध्यान उस पे हो, और मैं एक पात्र बन के गया हूँ, वो चरित्र क्या है।
किसको मुझे कह रहे हो? नहीं सर, वो उनके बैकग्राउंड से किसी ने उसको आवाज लगाई, उसको कह रहा है। सर कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने अपने को एक्टर और एक्ट्रेस को मेरे डायलॉग रिपीट करते हुए सुना है, लिपसिंग करते हुए सुना है सर। वो अपनी बारी का इंतजार करते होते हैं ना, अभिनेता अपनी बारी का इंतजार करता है और उसके बाद उसको कह दीजिए कि तुमने, सर मैंने अपना डायलॉग बोल तो दिया। अरे भाई तुमने अपनी लाइन बोली है, वो लाइन वो कैरेक्टर बोले ना, कैरेक्टर की तरह तुम तो, कैरेक्टर होने के लिए आपको सिर से लेके पांव तक उसी चरित्र में रहना होगा, वैसा ही सोचना होगा। आप चाहे जैसे भी डील डोल वाले हैं, ऐसी भी भाषा बोलते हैं, आपको मानसिक रूप से उसी में रहना होगा। इसीलिए अभिनय में दो बातें हैं, एक है एक्सटर्नल एक्टिंग जो लोगों को दिखाई देती है, एक है इंटरनल। और अभिनेता होने के नाते हमें हर समय इंटरनल एक्टिंग और एक्सटर्नल एक्टिंग दोनों करनी है, हम उससे अलग नहीं हो सकते, हम उससे अलग नहीं हो सकते। एक क्षण के लिए भी हम उससे अलग हुए तो हम अपने चरित्र से बाहर हो गए। अभी जैसे हम बैठे हुए यहाँ, चूंकि मैंने पहले ही ये बात कही कि हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, और दूसरा ये है कि कोई भी चीज जो है, कुछ भी हम करते हैं कहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, तो उसकी ही बात मैं कह रहा हूँ, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये मैं बात कह रहा हूँ अभी, कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, आप सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, आप उसको मेरी बातों पर विचार भी कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, या छोड़ो यार सही है, बोर कर रहा है, ये कर रहा है, जो भी किसी तरह का, सुनो मेरा कहने का मतलब ये है। सर हमारा दूसरा 40 मिनट खत्म होने में आ रहा है, तो सर अब हमें यहीं इसको रोकना होगा, फिर कोई दिन ऐसी एक क्लास और करेंगे हम सर, ऐसी एक दिन और कोई दिन क्लास करेंगे।